जय हिंद दोस्तों, मैं विकास, यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलोफूम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। जिस भी बच्चे ने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट रहती है तो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखते हैं। चंपा गुड मॉर्निंग बहन, अंजलि गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए एक बार, फिर क्लास को शुरू करेंगे। हाँ चंपा, कल क्लास हुआ है, इवनिंग में हुआ था, मॉर्निंग में भी हुआ था। आज वाला तो शो हो रहा है ना? क्रांतिकारी आंदोलन हमारे चले हुए हैं और इसके अंदर हम रोल टैक्ट तक पहुंच चुके हैं। तो एक बार जुड़ जाइए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं रोल टैक्ट। रोल टैक्ट क्या था? एक कानून था जिसके रिगार्डिंग क्या था, अगर किसी पे आपको शक होता है तो आप उसको उठा सकते हो, ठीक है, विदाउट ना उसके आपको अपील करने का अधिकार है, ना ही कुछ भी, ना दलील, ना अपील, ना वकील, आप इस समय कुछ नहीं कर सकते अगर आपके ऊपर रोल टैक्ट लग गया। तो रोल टैक्ट किस समिति की रिपोर्ट? एक समिति थी, रिपोर्ट जिसने पेश की थी इंग्लैंड की हाईकोर्ट, वो इंग्लैंड की हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो थे सिडनी रोलेट एक्ट थे। कौन थे? सिडनी रोलेट रोलेट थे। देखो फिर रोल टैक्ट, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए रोल टैक्ट कानून बनाया गया था 1917 में सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से द अनक्रिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, द अनक्रिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एंड एक्ट्स 1919 पारित किया गया। 15 अप्रैल 1918 को इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्रस्तुत की और
18 मार्च 1919 को क्या कर दिया? रोल टैक्ट पास कर दिया, रोलेट एक्ट पास कर दिया। किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल के लिए जेल में डाल दिया जाता था, इसमें क्या था? किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता। छह अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल का आह्वान किया गया कि हम विश्वव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। आह्वान किया गया कि हम हड़ताल करेंगे, सत्याग्रह चलाएंगे इसके खिलाफ, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, जलंधर, अहमदाबाद, अहमदाबाद इत्यादि जगहों पर क्या किया गया? हड़तालें की गई। क्या किए गए? हड़ताल प्रदर्शन किए गए। हड़ताल प्रदर्शन किए गए। इसी कड़ी में महात्मा गांधी जी कहां जा रहे थे? गांधी जी पंजाब जाने की योजना बना रहे थे। तो पंजाब जाने की योजना बना रहे थे 8 अप्रैल 1919 को, पलवल स्टेशन, पलवल उसमें पंजाब में था, वर्तमान हरियाणा में है, वर्तमान हरियाणा में है पलवल। यहां पर इनको गिरफ्तारी कर लिया गया था। भारत में महात्मा गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी और इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। इनको बंबई भेज दिया था, गिरफ्तार करके बंबई इनको भेज दिया था। इसी समय पंजाब में एक जनरल डायर थे, यहाँ के जो जनरल थे पंजाब के, गवर्नर जनरल, कौन थे? जनरल डायर, ओ जनरल ओ डायर। इसी कड़ी के बीच रामनवमी का त्योहार आ जाता है। क्या जाता है? रामनवमी मनाई जाती है कब? 9 अप्रैल को। तो लोग हिंदू और मुसलमान एकत्रित होते हैं। इकट्ठा हुए और इस चीज को देखते हुए ये दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेता है, डॉक्टर सत्यपाल प्लस सैफुद्दीन किचलू। किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोगों में असंतोष फैल जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं और हड़ताले प्रदर्शन किए गए। क्या किए गए? प्रदर्शन किए गए। क्लियर यहां तक? आगे देखते हैं। रोल टैक्ट
वॉज ब्रोट टू सप्रेस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया 1917 द सेक्शंस सेडिशन कमेटी वॉज फॉर्मड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर सिडनी रोलेट ऑन हुज रिकमेंडेशन विद द एम ऑफ करसिंग रिवोल्यूशनरी एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन इंडिया द अनार्किकल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1909 वॉज पास्ड विच कुड इम्प्रेशन ए पर्सन इंडिफिनिटली, किसके किसी भी पर्सन को क्या कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे लंबे समय तक बिना बताए। अब क्या हुआ, अब जलियांवाला कांड होगा, क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। एक मिनट भाई, देखो हुआ क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 9 अप्रैल को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। तो इस विशाल सभा की जानकारी किसे मिल जाती है, कर्नल रेजिडेंट रेजिनाल्ड एडवर्ड हेरी डायर को मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने 150 सशस्त्र सैनिकों को के साथ जले वाले बाग में पहुंचता है और इस क्या करता है, इन लोगों पर, निहत्ते लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। जब तक कि समाप्त गोलियां पूरी समाप्त नहीं हुई तब तक 1,000 लोग मारे गए थे। मारे गए थे इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि सरकार ने उन्हें दी थी उस उपाधि का त्याग कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, किसकी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 30 मई 1919 को इसने ये चीज लौटा दी थी। ठीक है, लौटा दी थी सर सकरन नायन ने, सर सकरन नायर ने गवर्नर जनरल की जो परिषद थी त्याग पत्र दे दिया था, त्याग पत्र इन्होंने दे दिया था। ठीक है, 2013 के अंदर ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून यहां पर आएंगे और वो यहां पर
आकर एक पुस्तक, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। पुस्तक उन्होंने लिखी थी विजिट्स, विजिटर्स बुक, विजिटर्स बुक, सॉरी, जो विजिटर्स बुक में इन्होंने जो स्मारक है यहाँ पर आए, और विजिटर जो बुक होती है कि विजिटर बुक के अंदर साइन के कौन आया कौन गया, तो इन्होंने विजिटर्स बुक के अंदर लिखा था कि ब्रिटिश इतिहास की ये शर्मनाक घटना है। कौन है? 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री। कौन? डेविड कैमरून। कहां पर आए थे? जलिया वाला बाग में आए थे। जलिया, बाद में आए थे और लिखा विजिटर्स बुक में, विजिटर्स। बुक में इन्होंने लिखा यह है भारत, ब्रिटिश इतिहास की। शर्मनाक घटना है। क्लियर है? 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया गया था। 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया गया था। हंटर समिति का गठन किया गया किसके लिए? हत्याकांड, जो बाल, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, इसकी समीक्षा के लिए, इसकी जांच के लिए। इसमें 5 सदस्य थे, 5 अंग्रेजी सदस्य और 3 भारतीय सदस्य थे। क्लियर है? 5 सदस्य थे। 5 सदस्यों में से, मिनट में बता देता हूं, 5 सदस्य कौन कौन थे इसके हंटर समिति में? पांच सदस्य थे। 5 सदस्यों में से अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष लॉर्ड हंटर, लॉर्ड हंटर, ठीक है, और जस्टिस सर एक कौन थे? जस्टिस, जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग। सर जॉर्ज रैंकिंग और डब्ल्यू एफ राइस। सर जॉर्ज बैरो। ये क्या है? ये 5 अंग्रेज हैं, ठीक है, 5 अंग्रेज हैं ये, और 3 इसमें हिंदू आएंगे, ठीक है। सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ, सर थॉमस स्मिथ, ये व्यक्ति थे। डब्ल्यू एफ राइस, सर जॉर्ज बेरो, सर थॉमस स्मिथ, ये 5 व्यक्ति थे और 3 इसमें भारतीय सदस्य थे। 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीय सदस्यों में चिमन लाल शीतलवाड़, शीतलवाड़, साहब ज्यादा, सुल्तान मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद और जगत नारायण, जगत नारायण। ये व्यक्ति थे। 3 भारतीय, 5 इसमें वो थे। टोटल सदस्य कितने हो गए? 8। हंटर समिति ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मार्च 1920 में अपनी
रिपोर्ट पेश की थी? रिपोर्ट पेश की, किंतु सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए एक बिल निकाला। उस बिल का नाम था इंडो मिनिटी बिल। ठीक है, क्या बिल निकाला था? इंडो मिनिटी बिल इन्होंने सरकार ने पारित किया था। क्लियर है? जलियांवाला बाग मर्डर केस ऑन 9 अप्रैल टू पॉपुलर लीडर ऑफ पंजाब डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। ए ह्यूज मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जलियांवाला बाग अमृतसर 13 अप्रैल 1999 ऑन द डे ऑफ बैसाखी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर अरेस्ट। खिलाफत आंदोलन भारत के मुसलमान तुर्की के साथ तुर्की के सुल्तान के इस्लामी साम्राज्य का खिलाफ मानते थे। देखो, खिलाफत आंदोलन क्या था? भारत के जो मुसलमान थे ना, तुर्की के जो सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ संधि के तहत तुर्की का विभाजन करके वापस में बांट लिया, और उसके ऊपर जितना भी उनका खर्च हुआ युद्ध में, सारा का सारा खर्च किसके ऊपर डाल दिया? तुर्की के ऊपर डाल दिया। जिससे क्या हुआ, भारत के जितने भी मुसलमान थे वो उनके खिलाफ हो गए, और 1919 से लेकर 1924 तक खिलाफत आंदोलन चलता रहेगा। बाद में से असहयोग आंदोलन में मिला लिया जाएगा। किसमें? 1922 के अंदर असहयोग आंदोलन के अंदर चला लिया जाएगा, और धीरे धीरे चलता रहेगा, छोटे मोटे प्रयास इसके रहते रहेंगे। तो 1919 के अंदर इसकी शुरुआत हो गई थी। खिलाफत मूवमेंट द मुस्लिम ऑफ इंडिया कंसीडर द सुल्तान ऑफ तुर्की एज द खलीफा ऑफ द इस्लामिक एम्परर, बट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अलाइज डिवाइडेड तुर्कीज अंडर ए ट्रीटी विद तुर्कीज। ऐसा ही वो आंदोलन, यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग और स्वराज की प्राप्ति था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के विशेष कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। 1924 के अंदर जो एक खलीफा का पद है, कमाल पाशा, नवंबर 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति होगी, और उस तुर्की क्रांति के बाद 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा। आपसे पूछे कि मुस्तफा कमाल मुस्तफा पाशा, कब क्रांति हुई? नवंबर 1922 में, 3 मार्च 1924 को क्या कर दिया था? इसने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था, खलीफा पद को समाप्त कर दिया। क्लियर है? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को, 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का प्रश्न के जो प्रश्न था सम्मानजनक, उसका समाधान करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग करना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर, कब? 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में सी आर दास, इसकी जो अधिवेशन में अध्यक्षता जो कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और सी आर दोस्त। इस प्रस्ताव के विरोधी, अगर आपसे पूछे प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, लाला लाजपत राय,
प्लस सी आर दास। सी आर दास ने इसका विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के समय प्रस्ताव में असंतुष्ट होकर कांग्रेस का त्याग करने वाले नेता की अगर मैं बात करूं तो असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर कांग्रेस से त्याग पत्र देने वाले नेताओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है एनी बेसेंट का, फिर मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्रपाल, जीएस खड़गे, जीएस खापड़े, जीएस खापड़े। इन्होंने ईशान जो ये प्रस्ताव था इसके चलते कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। क्लियर है? इस आंदोलन में क्या था कि हम जो चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की और पंचायती अदालतों की स्थापना करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, अस्पृश्यता को दूर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना, ये सभी इसका क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। होता क्या है, 1 अगस्त 1920 को भारत के एक महान क्रांतिकारी की मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगा धर तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की। मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद एक कोष बनाया गया, एक कोष का निर्माण किया गया, तिलक कोष, तिलक स्वराज फंड। और इस फंड में उस समय 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए चंदे के रूप में प्राप्त हुए थे, चंदे के रूप में प्राप्त हुए थे। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और इन्हें कंधा देने का काम हरियाणा से लियाकत अली खान ने किया था, किसने किया था, लियाकत अली खान ने इसे कंधा देने का काम किया था। आगे चलते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 1920 एंड वाज सस्पेंडेड ऑन 12 फरवरी 1922। द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज रिस्पेक्टेबल सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ खलीफा, डिमांड ऑफ जस्टिस अगेंस्ट जलियांवाला बाग एंड मस्केट्स एंड अटेंटमेंट ऑफ स्वराज, द रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन वाज प्लेस्ड इन द स्पेशल कोलकाता सेशन ऑफ दी कांग्रेस। इसका जो रेजोल्यूशन किया गया था, इसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो कलकत्ता के विशेष उसमें रखा गया था अधिवेशन में, जो 4 सितंबर 1920 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। इसके संस्थापक चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जी थे। इसका उद्देश्य परिषद में प्रवेश कर असहयोग कार्यक्रम का क्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना था। स्वराज पार्टी दिस पार्टी वॉज फाउंडेड इन जनवरी 1923 इन इलाहाबाद। इस फाउंडर वॉज द चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। एक घटना रह जाती भाई, 1922 में एक घटना हुई थी, चोरा चोरी कांड। क्या हुई थी? चोरा चोरी कांड हुई थी। चोरा चोरी घटना लगभग सभी को पता है। समय है 4 फरवरी 1922 का, गोरखपुर। जिले के चोराचेरी कस्बे में, कहां पर? चोरा चोरी कस्बे में एक जुलूस निकाला जा रहा था भूतपूर्व सैनिक भगवान अहीर के नेतृत्व में, भगवान अहीर के नेतृत्व में निकाला जा रहा था। तो पुलिस वालों ने भगवान अहीर को तथा उसके कुछ लोगों की पिटाई कर दी। तो
प्रक्रिया के स्वरूप उग्र जनता ने क्या किया, 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस थाने में ही जला दिया। कहां पर? 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस थाने में जला दिया। जला दिए गए थे पंडित मदन मोहन मालवीय को 170 भारतीयों के साथ। इस हत्याकांड में मारे गए थे और इस कांड में अनेक भारतीय अभियुक्त बनाए गए थे, यानी गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 170 भारतीयों को मृत्यु दंड दिया गया था। 170 भारतीयों को मृत्यु दंड दिया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बुद्धिमती पूर्ण रूप से पैरवी रखी और पैरवी करते हुए 151 लोगों की फांसी बचा ली थी। किसने? मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय। कितने? 151 लोगों की फांसी बचाई थी। बचाई, क्लियर है? तो 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त कर देते हैं बारदोली में बैठक करके। कहां पर? बारदोली में। बैठक कर इस आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। क्लियर है? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। ये हो चुका है हमारा सक्सेसफुल। साइमन कमीशन, अब क्या आ जाता है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1923 में किया गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन कमीशन थे और उनकी अध्यक्षता में इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से भारतीय सदस्यों का न होने न लेने को सुझाव लॉर्ड इरविन के द्वारा दिया गया था कि हम भारतीयों को नहीं लेंगे। इस सुझाव किसने दिया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा दिया गया था, जिसमें इसमें भारतीयों को नहीं लिया गया। यह आयोग 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा और इसका स्वागत काले झंडे हड़ताल और प्रदर्शन से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। जब आयोग दिल्ली पहुंचा तो उसका स्वागत करने के लिए कोई भी भारतीय नहीं था। भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन या फिर व्हाइट कमीशन की संज्ञा दी थी। साइमन कमीशन, द साइमन कमीशन वॉज फॉर्मड ऑन 8 नवंबर 1927। इट्स चेयरमैन वॉज सर जॉन साइमन एंड अंडर टोटल्स ऑफ 7 मेंबर्स। इट्स सजेस्टेड बाय लॉर्ड इरविन नॉट टू टेक एन इंडियन मेंबर सो दैट इंडियन कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इट। द कमीशन अराइव्ड इन मुंबई ऑन 3rd February 1928 एंड वॉज ग्रेटेड विद ए ब्लैक फ्लैग, ग्रेटेड विद ब्लैक फ्लैग, स्ट्राइक्स एंड डिमोन्स्ट्रेशंस। द प्रोटेस्टर राइज स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक। इट्स वॉज कॉल्ड द श्वेत कमीशन। नेहरू रिपोर्ट। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए भारत के सचिव लॉर्ड ब्रैकनहेड ने 24 नवंबर 1927 को भारतीयों को चुनौती दी गई कि वह अपने लिए एक ऐसा संविधान तैयार करें जो सबके लिए मान्य हो। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, जिसको और जो साइमन कमीशन था, इंडियन सेक्रेटरी जो थे उसके लॉर्ड ब्रैकनहेड थे, और ब्रैकनहेड ने क्या कहा कि आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड कीजिए, और चैलेंज किया था 24 नवंबर 1927 के अंदर। इसके लेखन का कार्य मोतीलाल नेहरू जी ने किया था और जिसके द्वारा द्वारा किया गया था, इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी। एक सौ सत्तर भारतीयों को चोरा चोरी कांड में गिरफ्तार कर लिया गया।
वैसे तो हजारों पुलिसकर्मी, हजारों भारतीयों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 170 भारतीयों को चोरा चोरी कांड के रिगार्डिंग क्या फांसी, क्या सजा सुनाई, सजा सुनाई फांसी की, फांसी की सजा सुनाई, लेकिन मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से या फिर उनके वकालत की वजह से 151 लोगों की फांसी टल गई थी। क्लियर है? और इसी दौरान 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेंगे और 6 वर्ष की सजा सुनाएंगे, सजा सुनाएंगे, लेकिन ये इनको मजबूरन इसे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और इन्हें 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर देंगे। ठीक है, करना था रिहा 28 में, लेकिन कब किया, 24 में रिहा कर दिया, तबीयत खराब हो गई थी इनकी वहां पर। सविनय आंदोलन, गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को सविनय आंदोलन चलाया गया, और जो साइमन कमीशन था भाई, साइमन कमीशन का भारत के अंदर दो व्यक्तियों ने स्वागत किया था, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हरियाणा से थे पंडित नेकीराम शर्मा। इन दो व्यक्तियों ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था, क्योंकि साइमन कमीशन 1919 के अंदर जो सुधार आए थे उनकी क्या करने आया था, उनकी समीक्षा करने आया था, उनकी जांच करने के लिए आया था। इसे आना चाहिए था 1929 के अंदर, लेकिन ये वहां पर जो लिबरल पार्टी की सरकार आने का अनुमान लगाया जा रहा था, तो उससे पहले ही जो वो भारतीयों के प्रति सहिष्णु थे, तो उससे पहले ही एक गठन किया गया और 1927 में इसका गठन किया गया और 28 में भारत भेज दिया गया। 1929 में ये रिपोर्ट पेश कर देगा और 1930 में 31 में इसकी रिपोर्ट के ऊपर क्या होगी, 1930 31 और 32 क्या होगी, चर्चा होगी, जिसे हम साइमन गोलमेज सम्मेलन की संज्ञा देते हैं। सविनय आंदोलन, गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को सविनय आंदोलन चलाया गया। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में कांग्रेस की दूसरी बैठक में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी को सौंप दिया गया था। सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट, दिस सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी ऑन मार्च 12, 1930 इन दी लाहौर डिसीजन ऑफ दी कांग्रेस इन 1929 द कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी कमेटी वाज इंप्रूव्ड टू स्टार्ट दी सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट, द लीडरशिप वाज हैंडेड ओवर टू महात्मा गांधी। लाल कुर्ती अभियान 1930 में शुरू किया गया, यह आंदोलन भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अब्दुल गफार खां के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय सविनय आंदोलन के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था। खान अब्दुल गफार को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने की शुरू किया था, तो वो शुरू किया था खान अब्दुल गफार खान ने। द रेड कुर्ती अब कैंपेन वॉज लॉन्च इन 1930 बाई अब्दुल खान गफार, खफा अब्दुल गफार खान इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया इन सपोर्ट ऑफ द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट एट द टाइम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द नेम ऑफ द खुदाई खिदमतगार इट्स कॉल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31, सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट के सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके उद्घाटन का किंग्स जॉर्ज बर्नसम ने किया था, इसकी अध्यक्षता रेमजे मैकडोनल्ड के द्वारा की गई थी। ऑन 12 नवंबर 1930 द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन टू डिस्कस द पब्लिक इशू ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट व्हिच वाज इनॉग्रेटेड बाय किंग्स जॉर्ज फोर्थ
एंड प्रेजेंटेड बाय ओवर द रेमजे मैकडोनल्ड। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग तथा भारतीय रजवाड़ों ने भाग लिया था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, जिसमें सम्मिलित सभी दलों के प्रतिनिधि केवल अपने व्यक्तिगत हितों के पक्ष में पोषण में प्रयास कर रहे थे। तो सम्मेलन के दौरान केवल समस्याएं विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, सामने नहीं आया। अतः 9 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित कालास एंड इंडियन रजवाड़ा हैड प्रैक्टिस पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस, विच कॉन्फ्रेंस वॉज बायकॉटेड बाय द कांग्रेस, इन विच द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दी पार्टीज इन्वॉल्व वर ओनली ट्राइंग टू नेचर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, देन द ओनली प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दी कॉन्फ्रेंस आइडियाज वर प्रेजेंटेड, बट नो कंसर्ट रिजल्ट कम टू द फोर्स फोर्स ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस एंडेड ऑन 19 जनवरी 1939 विदाउट एनी रियल अचीवमेंट। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दिल्ली समझौते के बाद कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए। हुआ क्या भैया, मार्च 1931 में एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। और जो गांधी इरविन समझौता था, ये गांधी और इरविन के बीच हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। इसमें था क्या गांधी इरविन समझौते में, कि महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया, और ब्रिटिश वाले क्या प्रेशर बनाने कि जहां पर वो है तो उसको गांधी जी को कहो कि भाग ले, गांधी जी मना कर रहे हैं। गांधी जी को बुलाया कि आइए गांधी जी बैठ के बात करते हैं, ऐसा क्या हो गया, चले गए 5 मार्च 1931 को। ये वही समय होगा जिसमें भगत सिंह की फांसी की सजा निर्धारित हो जाएगी। हालांकि गांधी जी ने अपने पर्सनल तौर पर उनका बहुत ज्यादा समर्थन किया था, ठीक है, बचाने के लिए पत्र भी लिखे थे। ऐसा नहीं है कि वो गांधी जी को उनका हत्यारा मान ले, ऐसा नहीं है, गांधी जी ने उनकी हेल्प भी की थी। ठीक है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके पत्र लिखे थे, उनके रूप से व्यक्तिगत रूप से उनको बचाने के लिए पत्र लिखे गए थे। लेकिन थोड़ा सा दबाव अगर वो दे देते तो भगत सिंह को भी आजाद कर देते। हुआ क्या, 5 मार्च 1931 ये समय है जब होटलों के बाहर लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स आर इंडियंस नॉट अलाउड। लेकिन एक भारतीय कहां पर इनवाइट किया गया, कहां पर गया, ये गया कहां पर, वायस राय हाउस में, वायस राय हाउस, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन गए। और ये प्रथम भारतीय थे जो राष्ट्रपति भवन में गए थे, प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय थे राष्ट्रपति भवन में जाने वाले। गए तो गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी और इरविन जी के बीच समझौता हुआ। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, क्या बोल दिया कि गांधी जी जैसे ही एंट्री की, एंट्री करते ही बोले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दे, गांधी जी उठकर चले गए वापस, बोले बैठ भाई गांधी, बैठ जा, बात करते हैं आराम से, बैठ के बात करेंगे, क्या हो गया, आ जा बैठ। बोला कर बोल चाहिए क्या है, गांधी जी बोला कुछ नहीं चाहिए, तो आंदोलन समाप्त कर, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। ये कहते हैं इरविन कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितनी भी संपत्ति जब्त की गई है वापिस लौटा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, वापिस लौटा देंगे। फिर जितने भी भारतीय
और आपस में अपने भारतीय भाइयों को मारा है, हम उन्हें वापस कर देंगे। रोल टैक्ट के दौरान 1919 में जितने भी भारतीय गिरफ्तार हुए हैं उन सबको रिहा कर देंगे। जिन्होंने अपने ही भाइयों की हत्या की है, यानी भारतीयों ने भारतीयों की हत्या की है, उनको रिहा कर देंगे, लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या की है अंग्रेजों की हत्या की है, हम उन्हें रिहा नहीं करेंगे। तो भगत सिंह ने किसकी हत्या कर दी थी? सैंडर्स की हत्या कर दी थी। सैंडर्स की हत्या उन्होंने कर दी थी, जिसके तहत उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। तो अगर गांधी जी ये कह देते कि गांधी जी अगर ये कहते कि मुझे भगत सिंह की आजादी भी चाहिए, तो उस समय इरविन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, भगत सिंह की आजादी। हालांकि भगत सिंह का समर्थन तो करते थे, लेकिन अहिंसावादी, जो ये अहिंसा थी, जो हिंसा थी, ये हिंसा के विरोधी थे गांधी जी। ये अहिंसा में समर्थन में विश्वास रखते थे। ठीक है, दिल्ली समझौते के बाद कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, 19 जो 29 अगस्त 1931 को लंदन में रवाना हुए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। द सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड फ्रॉम 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931। इस सम्मेलन का समापन रेमजे मैकडोनल्ड की घोषणा के साथ हुआ था। इसमें दो मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, एक सिंध का गठन किया। तो भारतीय सलाहकारों की परिषद की गठन स्थापना की गई। 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया। सम्मेलन में सरकार भारतीयों के मुख्य मांग स्वतंत्रता पर विचार करने में असफल रही थी। द यूनियन एंडेड द डिक्लेरेशन ऑफ द ईयर रेमजे मैकडोनल्ड इन विच टू मुस्लिम प्रोविंस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड सिंध वर फॉर्म्ड द इंडियन एडवाइजरी काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड एंड 3 एक्सपर्ट कमेटी वर फॉर्म्ड फेल्ड टू कंसीडर द मेन डिमांड इंडिपेंडेंस। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट की संज्ञा दी जाती है। गांधी इरविन पैक्ट आपको पता ही है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को ले से लेकर 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया। पहले दो सम्मेलनों की भांति इसमें भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड बिटवीन 17 नवंबर 1932 एंड 24 दिसंबर 1932 तक ये कंटिन्यू रहा था, इन विच द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। लाइक द फर्स्ट टू कॉन्फ्रेंस नथिंग मच वॉज अचीव्ड। सांप्रदायिक पंचांड 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मंत्री मैकडोनल्ड ने एक घोषणा की, जिसमें सांप्रदायिक पंचांड कहा जाता है। इसमें अछूतों को हिंदुओं से अलग अल्पसंख्यक मानकर पहली बार भी उन्हें भी निर्वाचन तथा प्रतिनिधि का अधिकार दे दिया गया था। ऑन अगस्त 16, 1932 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड मैकडोनल्ड मेड एन अनाउंसमेंट कॉल्ड द कम्युनल अवार्ड इन विच द अनटचेबल वेयर गिवन द राइट टू इलेक्ट एंड रिप्रेजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम कंसिडरिंग दैम एज ए मिनोरिटी सेपरेट फ्रॉम द हिंदूज। इसके द्वारा दलितों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया गया था। सांप्रदायिक प्रणाली की स्थापना से भारत का राष्ट्रवाद कमजोर करने का प्रयास किया गया था। महात्मा गांधी जी को इस घोषणा से अधिक कष्ट हुआ, क्योंकि उनके द्वारा दलितों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयत्न किया जा रहा था। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन का प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? आमरण अनशन पर ये बैठ गए थे। और बाय दिस एन अटेम्प्ट वाज मेड टू सेपरेट द दलित फ्रॉम द हिंदूज एंड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनल सिस्टम एंड एन अटेम्प्ट वाज मेड टू
वीकेंड द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी सफर्ड फ्रॉम दिस अनाउंसमेंट बिकॉज ही ट्राई टू सेपरेट द दलित्स फ्रॉम द हिंदूज. दिस वॉज बिगिनिंग डन गांधी स्टार्टेड फर्स्ट एंड टू डेथ इन यरवदा जेल 20 सितंबर 1932. देखो भाई, अब होगा क्या? अब होगा पूना पैकेट. क्या होगा? पूना पैक्ट. पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच. अंबेडकर जी के बीच गांधी जी की तरफ से भरपूर प्रयास किए गए थे. एक प्रयास, एक व्यक्ति था मदन मोहन मालवीय. मदन मोहन मालवीय. मालवीय के प्रयासों से ये समझौता पूर्ण हुआ था. इन्होंने बार बार किसके पास गए? बार बार ये गए बाबा साहब के पास, और बाबा साहब को कहा कि गांधी जी अगर मृत्यु गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? गांधी जी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो आरोप है, जो अच्छा ठीक है, बिल्कुल प्रणदीप, आप जा सकते हैं. हाँ बाय बाय. थैंक यू बहन, सो अमेजिंग क्लास. थैंक यू. ठीक है, तो बाबा साहब के बीच ये समझौता हुआ. गांधी जी ने क्या कहा कि आप ऐसा ना कीजिए, भारत के टुकड़े में, भारत और ज्यादा टुकड़ों में बंट जाएगा. लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि गांधी जी अगर मेरा स्वार्थ होगा, अगर कोई मेरा हित में कार्य होगा और देश का हित का कार्य होगा तो मेरे लिए पहले देश होगा. अगर दलितों के लिए कोई हित का कार्य होगा और देश का कोई कार्य होगा तो मेरे लिए पहले दलित हैं, उसके बाद देश के लिए कार्य होगा. क्यों? क्योंकि दलितों के अंदर उसमें इतना दबा दिया गया था इनको, इतना कुचल दिया गया था इनके साथ, इतना विवाद हो गया था, इतना मतभेद, इतना इनके साथ जातिगत भेदभाव हो गया था कि ये अब अपनी स्थिति को अच्छा करना चाहते थे. क्योंकि ये चाहते थे कि अगर देश बनता है, मान लीजिए कोई देश बनता है, भारत दलितों के लिए बोल दिया कि देश बनता है, तो दलितों के लिए कैसा भारत बनेगा? इसके अंदर उनके साथ छुआछूत का क्या किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है, छुआछूत उनके साथ किया जा रहा है, और उन्हें पानी नहीं पीना दिया जा रहा है, मंदिरों में प्रवेश नहीं है, और क्या है, जो रोजगार है, जो स्कूली एजुकेशन है, उसके अंदर उनका कोई भी अधिकार नहीं है. ये चीजें सामने आने के देखते हुए महात्मा बाबा साहब जी ने ये बात कही थी. लेकिन ये हो जाता है, और इसके रिगार्डिंग जो समझौता ये होता है, इसमें सीटें बढ़ाकर अधिक कर दी जाती है, आरक्षण इसमें दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद आरक्षण एजुकेशन और नौकरियों में दे दिया जाएगा. तो एजुकेशन जो आरक्षण था, आरक्षण की नींव पूना पैक्ट से रखी गई थी. 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथेंगो ने कांग्रेस की अंतरिम सरकार की मांग को अस्वीकार करते हुए 8 अगस्त को कांग्रेस से असहयोग प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया. अगस्त प्रस्ताव की संज्ञा दी जाती है. अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस मुस्लिम लीग ने तुरंत ही अस्वीकार कर दिया था. ऑन अगस्त 8, 1940 लॉर्ड लिथेंगो रिजेक्टिंग द डिमांड ऑफ द अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ द कांग्रेस प्रेजेंट ए प्रपोजल टू सिक कॉरपोरेशन फ्रॉम द कांग्रेस ऑन अगस्त 8. इट इज कॉल्ड द अगस्त प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड. व्यक्तिगत सत्याग्रह. सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था. पहला व्यक्ति जो था वो कौन थे?
विनोबाचार्य थे, विनोबा भावे थे जिन्होंने स्वीकार किया था। दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह था। पाकिस्तान की मांग, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में स्वतंत्र स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत की गई थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने कहा कि वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस निर्णय पर तब तक अटल रहेंगे जब तक पाकिस्तान का निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रस्ताव की स्मृति 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। इस 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भारत में क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, चंद्र सुगुरु, राजगुरु, सुखदेव को क्या हुआ था? फांसी की सजा इनको दी गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा 11 मार्च 1942 को की गई थी। 23 मार्च को यह मिशन भारत पहुंचा और 23 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। लो भाई, तो हम आजादी हम कर चुके हैं, ठीक है। आजादी तक का हमारा सफर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जब मैंने आपको संवैधानिक विकास करवाया था, संवैधानिक विकास करवाया था, तो उसमें 1947 की सब भी घटनाएं मैंने आपको करवा दी थी। तो आगे जो आपका टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग जो भी आंदोलन हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। उसके बाद क्लास को हम समाप्त करते हैं, मैं लगभग हो चुका है हमारा। वेरी वंडरफुल क्लास, थैंक यू बहन, थैंक यू अंजलि। थैंक यू सुमित्रा बहन, सो अमेजिंग क्लास सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू चंपा बहन, थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। चलो तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जितना हो सकता है अपने रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिए, रिवीजन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। मैं इसीलिए क्लास के अंदर ज्यादा बातें नहीं करता ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो आपके रिवीजन और कंटेंट कलेक्टिंग में जाए।